अऊज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण जो है वो एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, तो उसके हवाले से हम एक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इसमें हम आपको कुछ जो है वो वज़ाइफ भी बताएँगे और आपको ये भी बताएँगे कि आपने इस जो सूरज ग्रहण के दौरान आपने क्या करना है, क्या पढ़ना है। और इसके अलावा जो है वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हामला ख़वातीन जो होती हैं उनके ऊपर जो बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो उसके हवाले से भी हम आपको जो है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो है वो बताएंगे कि इससे क्या असरात मुरतब होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। तो नाज़रीन किराम, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है वो अल्लाह ताला की निशानियां हैं, कुदरत की निशानियां हैं। ये इन निशानियों से ये ज़ाहर होता है कि जो कादर मुतलक है अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देता है और चाँद से जो है वो चांदनी देता है, ठीक है। तो वही अल्लाह ताला जो है वो इनको मांद भी कर देने पर कादर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण हो गया। तो उस ज़माने में लोगों का ख्याल ये था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश की वजह से होता है, जैसा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की नफ़ी फरमाई है। तो यहाँ पर एक बुखारी शरीफ की एक हदीस मैं आपको बताता हूँ। हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े हुए जैसे क़यामत जो है वो आ गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम रुकू और सजूद के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ी, और इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये निशानियाँ हैं जो अल्लाह बुज़ुर्ग को बरतर भेजता है, तो ये किसी की मौत और हयात के सबब नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसकी ओर देखो तो ज़िक्र इलाही और दुआ इस्तिग़फ़ार की तरफ दौड़ो। तो लिहाजा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक़्त जो हमें नबवी तालीमात बताई जाती हैं उसके मुताबिक जो है वो हमें अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर नमाज दुआ और इस्तिग़फ़ार में जो है वो मशगूल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ठीक है। तो दुआ वगैरह करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये सूरज ग्रहण है ये 2024 का जो है वो पहला सूरज ग्रहण, मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा जो 8 अप्रैल को जो है वो होगा। और ये पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात को जो है वो 8:42 पर होगा और 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। तो सूरज ग्रहण का जो इख्तिताम है रात 1:52 पर होगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के मुताबिक रात के वक्त जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में होगा, तो हो सकता है कि रात होने के सबब इसका मुशाहिदा ना किया जा सके, लेकिन दूसरे जो मगरबी यूरोपीय ममालिक हैं जैसे जनूबी अमरीका और दूसरे जो मकामात हैं वहाँ पर सूरज ग्रहण जो है वो दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि जी बाकी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की वजह से जो आम इंसानों में ये हामला ख़वातीन और इनके हमल पर जो मुख्तलिफ किस्म के असरात पड़ने से मुतलक जो बातें अवाम में मशहूर हैं, तो इस इनकी शरीयत में कोई असर नहीं है, कोई इन्हें इस्लाम के में कोई इसके बारे में जो है वो नहीं बताया गया। तो इसलिए सूर्य या चांद ग्रहण के वक्त ऐसी बातों की तरफ ध्यान देने के बजाय नमाज और इस्तिग़फ़ार दुआ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको इसकी तफसील जो है उसकी पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो है वो सूरज ग्रहण जब हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं करें, ठीक है। तो नमाज की तरफ जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज जो है वो पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इसके अगर कोई बुरे असरात हैं नहीं है तो वो इंशाल्लाह आपको उनसे आप हिफाजत में रहेंगे। तो ये जो इस्लामी तालीमात हैं इन पर आप जो है वो अमल करें, इंशाल्लाह आपको इसका जो है वो फ़ायदा होगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, किसी और अमल के साथ, किसी और वजीफे के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।